सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मैं निकिता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवा होम्स में। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जो कि 2 BHK 55 गज में ये बना हुआ है। इसके साथ ही आपको बहुत ही अच्छी एमिनिटीज के साथ ही फ्लैट मिलने वाला है। बहुत ही बजट फ्रेंडली इसका प्राइस रहने वाला है और मेट्रो से इसकी जो डिस्टेंस रहता है वो भी आपका 1 किलोमीटर रहता है। दोस्तों एमिनिटीज की बात की जाए तो ये फ्लैट आपको 40 फीट के फ्रंट रोड पे फ्रंट का 2 BHK मिलने वाला है और बैक रोड की बात करूं तो ये आपको 25 से 30 फीट का मिलने वाला है। इसके साथ ही आपको कार पार्किंग और लिफ्ट की फैसिलिटी तो मिल ही रही है और मेन रोड और मेट्रो की बात करें तो दोनों की ही डिस्टेंस जो है आपको इस फ्लैट से 1 किलोमीटर तक का रहने वाला है और इसका जो प्राइस रहने वाला है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस रहने वाला है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, प्राइस मैं आपको एंड में बताऊंगी। तो चलिए बिना देरी किए मैं आपको फ्लैट दिखाती हूँ। सो गाइस स्वागत है आपके अपने लिविंग एरिया में। लिविंग एरिया देखिए कितना ज़्यादा स्पेशियस रहने वाला है। यहाँ पे सोफा अगर आप लगाते हो फिर भी कॉफ़ी टेबल बीच में आपके यहाँ लगी हुई है, उसके बाद भी काफ़ी अच्छा स्पेस यहाँ पे आपको मिलने वाला है। इसके साथ ही आप इसकी फॉल सीलिंग देखिए, कमाल का फॉल सीलिंग वर्क किया गया है इसे कोबलाइट LED लाइट के साथ। इसके साथ ही मेरे राइट हैंड साइड देखिए आपको LED पैनल यहाँ अवेलेबल करा के दिया गया है। नीचे ड्रॉर्स दिए गए हैं जिसमें आप डेली का यूजेस का वे भी सामान इजीली रख सकते हो। इसके साथ ही मैं आपको दिखाती हूँ इसका कॉमन वॉशरूम। कॉमन वॉशरूम देखिए आप, ये रहा इसका कॉमन वॉशरूम। इसका टाइल वर्क देखिए एक बार कितना प्यारा किया गया है और वेंटिलेशन की यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आपको। कॉमन वॉशरूम के बाद मैं दिखाती हूँ इसका किचन। किचन आपका लिविंग एरिया से अटैच रहने वाला है। ये देखिए इसका कितना अच्छा किचन रहने वाला है, यहाँ पे आपको स्पेस मिलने वाला है। इसके साथ ही आपको नीचे डॉट्स अवेलेबल करा के दिए गए हैं। यहाँ पे ये आपको ब्लैक कलर का स्लैब दिया गया है एंड यहाँ पे आपको RO का प्रोविजन दिया गया है। यहाँ पे अपना इजीली RO फिट कर सकते हो। ऊपर के ड्रॉर्स चेक कर लेंगे एक बार, ऊपर के भी कैबिनेट्स में भी अच्छा स्पेस दे रखा है आपको। इसके साथ ही आप यहाँ पे आपको फिटिंग दी गई है, आप यहाँ मिक्सी वगैरह इजीली आप यहाँ पे रखकर यूज कर सकते हो। ये स्पेस आपको फ्रिज के लिए यूज आप कर सकते हो, यहाँ पे आप अपना फ्रिज रख सकते हो। इसके साथ ही आपको देखिए किचन में ज्यादातर लोग की डिमांड होती है कि वेंटिलेशन हो, तो वेंटिलेशन की आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। वेंटिलेशन के लिए विंडो यहाँ पे आपको अवेलेबल करा के दी गई है। ये देखा आपने किचन। किचन के बाद मैं आपको लेके चलती हूँ अपने फर्स्ट बेडरूम की ओर। तो आइए चलते हैं अपने फर्स्ट बेडरूम की ओर। फर्स्ट बेडरूम देखिए कितना अच्छा स्पेस रहने वाला है आपको। इसमें बेड डालने के बाद भी काफ़ी अच्छा स्पेस आपको मिलने वाला है। बेड के दोनों साइड में देखिए आपको अच्छे स्पेस के साथ वार्डरोब्स दिए गए हैं, इसमें काफ़ी अच्छा स्पेस रहने वाला है। एंड ऊपर की तरफ देखिए आपको ओपन कैबिनेट प्रोवाइड किए गए हैं, यहाँ पे आप कोई भी अपना इजीली सामान स्टोर कर सकते हो। इसके साथ ही आपको बेड के पीछे वॉलपेपर का वर्क मिलने वाला है एंड यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर वेंटिलेशन की जैसे कि कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, इसके लिए आपको विंडो अवेलेबल करा के दिए। ऊपर आप AC का प्रोविजन देख सकते हैं, विंडो AC आप यहाँ पे लगा सकते हैं। फॉल सीलिंग कितनी प्यारी की गई है, कोबलाइट LED लाइट के साथ आपको फैन अवेलेबल करा के दिया जाएगा यहाँ पर। अब देखा आपने हमारा फर्स्ट बेडरूम, उसके साथ ही मैं आपको दिखाती हूँ आपका सेकेंड यानी कि मास्टर बेडरूम जो कि आपका बालकनी से अटैच रहने वाला है। ये देख सकते हैं आप, ये रहा आपका मास्टर सेकेंड बेडरूम। बेड डालने के बाद भी अच्छा स्पेस यहाँ पे मिलने वाला है आपको। बेड पे क्विल्टिंग का वर्क आपको प्रॉपर ग्लास के साथ मिलने वाला है। इसके साथ ही आपको पीछे 3D वॉलपेपर का भी वर्क मिलने वाला है। यहाँ पे आपकी जो वॉशरूम है वो आपको अटैच मिलने वाली है। इसके साथ ही आप देखिए ऊपर फॉल सीलिंग कितनी प्यारी की गई है, कोबलाइट LED लाइट के साथ आपको फॉल सीलिंग का काम किया गया है यहाँ पर। सो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया ये जो बेडरूम होने वाला है बालकनी से अटैच रहने वाला है, तो आप आइए मैं आपको दिखाती हूँ इसकी बालकनी। सो जैसे कि आप सब देख सकते हैं हम बालकनी में आ गए हैं। ये भी हमारी बालकनी, बालकनी में आपको टैब अवेलेबल करा के दिया है, इसमें आप अपना वॉशिंग एरिया के लिए इसको यूज़ कर सकते हो। इसके साथ ही मैंने जैसे कि आपको बताया था इसका फ्रंट रोड जो है 40 फीट का रहने वाला है, तो ये देख सकते हैं ये रहा आपका 40 फीट का फ्रंट रोड। सो गाइस जैसा कि आपने देखा हमारा 2 BHK का शानदार सा 55 गज में बना हुआ है ये फ्लैट, जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ मैंने जैसे कि आपको प्रॉमिस किया था मैं इसका प्राइस जरूर बताऊंगी, तो इसका जो प्राइस रहने वाला है मात्र 23 लाख रहने वाला है। ये जो प्राइस है इसका आपके बजट के अकॉर्डिंग रहने वाला है, प्लस में आपको इतनी सारी एमिनिटीज इसके साथ इस फ्लैट के साथ मिलने वाली है। और गाइस लिमिटेड ऑप्शन में ये फ्लैट बचे हुए हैं, तो इस फ्लैट को अपना बनाने के लिए जल्द से जल्द नीचे फ्लैश हुए नंबर पर कॉल करें, अपनी विजिट बुक करें। तब तक के लिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।